हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस और सर्विस करवाने गाजीपुर। लग रहा जी तो ये मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं, ये भाई खड़ा हुआ है कैप लगा के और भांजा ट्रेनिंग पूरी करके आया अग्निवीर की, तो भैया उसको लेने गए थे स्टेशन से। और गाड़ी सर्विस में देने के बाद हम आए EDM मॉल घूमने, और सबसे पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लगी हुई है, दोपहर के बजे हैं 1, और उसके बाद हम मॉल घूमेंगे। और बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छी मतलब एक्टिविटीज़ थी, डांस सिंगिंग वगैरह सब बच्चे कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने यहाँ। ये वड़ा पाव, ये पुरानी दिल्ली, छोले, चावल। ये है आलू टिक्की। और खाना खाने के बाद यहाँ हमने बच्चों का डांस देखा और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो कुछ देर रुके हम यहाँ पे, और उसके बाद जहाँ गाड़ी सर्विस हो रही थी, कॉम्पिटेंट है सर्विस सेंटर, हम वहाँ जा के बैठे। और गाड़ी की सर्विस होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगे थे, हमें शाम को 6 बजे गाड़ी मिली थी, और उसके लिए हम काफ़ी देर यहाँ बैठे, हमने चाय पानी सब हमें यहाँ अरेंज हुआ, और AC में बैठे हुए थे, उसके बाद यहाँ गाड़ी मिली हमें। और हमने अपनी गाड़ी यहीं से ख़रीदी थी। इंश्योरेंस भी तो करवाया आपने? हाँ, तो बिल्कुल ओके करके दिए उन्होंने, 12 बजे से और 6 बजा दिए, तो ऐसा क्या गाड़ी ओके करके नहीं देंगे? साफ सुथरी दिए, नीचे भी ब्लैक कलर करवाया था मैंने पहले। ओहो, जिससे अब जैसे चमासा आ रहा वो नहीं लगेगा जो। तो मैं गई हूँ फिर अपनी बड़ी बहन के यहाँ, क्योंकि भांजा आया है 15 दिन की छुट्टी, फिर जाएगा वो अपनी जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है। और यहाँ इनके यहाँ बागपत में यमुना नदी है, जमुना बोलते हैं वैसे तो ये सब, तो यहाँ जैसे नया नाज आता है ना, तो उस खीर पूरी या रोटी खीर ये सब पूजते हैं, और देवताओं की भी पूजा होती है। तो वहाँ गई है दीदी, और यहाँ मैं और मेरा भांजा आया था, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, तो रास्ते में पहले हमने यहाँ पूजा करी भांजे ने, उसके बाद मैं पहुँची हूँ मंदिर। और आप देख सकते हैं ये जमुना नदी है, अभी तो सूखी हुई है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी पानी भर जाता है। और ये मैं कभी बचपन में आई थी छोटी, और अब इतने सालों बाद आई हूँ, बहुत कुछ बदला हुआ है। और कहते हैं कि अगर फिर मैं आई मंदिर, क्योंकि डेली बेस पे मैं मंदिर जाती हूँ। उसके बाद हम मैं भांजी और भांजा हम आए हैं गुफा वाले बाबा पे, क्योंकि जब बच्चे कामयाब होते हैं तो बहुत सारी मन्नत मांगते हैं उनके लिए कि कामयाब हो जाए, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ गुफा वाले बाबा पे भांजी ने अपने भाई के लिए
मन्नत मांगी थी कि वो नौकरी से ट्रेनिंग से आ जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। तो हम सब गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए वहाँ पे। तो आप सब भी गुफा वाले बाबा को देख सकते हैं और जयकारा ज़रूर लगाना गुफा वाले बाबा की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और यहाँ भांजा बांट रहा है प्रसाद और मेला लगा हुआ है हर संडे। इतनी ही मतलब भीड़ रहती है। और उसके बाद मैं दीदी और भांजी हम गए थे बड़ोद कपड़ा ख़रीदने के लिए और वापस में आए थे। और यहाँ मतलब गुफा वाले बाबा पे इतनी भीड़ होती है संडे के दिन कि जैसे अब जैसे जेठ का महीना चल रहा है, पानी पिलाना और भंडारा भी कराते हैं। और एक एक करके हम सब दीदी के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे भैया भाभी बच्चे। तो दीदी को करवाना है कीर्तन, तो उसकी भी तैयारी है और बहुत सारा काम है। तो हम सब आए थे मंदिर भोले बाबा की पूजा करने और आज कीर्तन भी है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो भांजा आया था गाड़ी लेके और ये दीदी का बड़ा बेटा है। दीदी के तीन बच्चे हैं, दो बेटे एक बेटी। अब ये घेर में जा रही है, कहाँ जा रही है, चढ़ने जा रही है? अच्छा जमुना पे जा रही है। कहीं भी नहीं बोलता, मैं नहीं चलाओ नहीं बोल रहा, वो सीट बेल्ट नहीं बोल रहा है। बेटे की नौकरी लगने की खुशी में दीदी ने करवाया माता रानी का कीर्तन। आइए आप सब भी शामिल हो जाइए। तो ये दीदी की जेठानी है और ये इसका पोता है। बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा है, बहुत खेलता है सबके साथ। यहाँ मैंने बनाया है सूजी का हलवा जो माता रानी को भोग लगेगा और कन्या को जिमाएंगे हम यहाँ पे। तो शाम के बजे हैं 4 और यहाँ अब डंगरों को घास करेगा भांजाई, और क्योंकि हम सब कीर्तन में लगे हुए थे तो उसने कहा था कि मैं घास करके मैं बांध दूँगा। और अब हो रही है आरती माता रानी की।
और कीर्तन बड़े अच्छे से हो गया है। दीदी की, नंद की बेटी भी आई थी और बहू भी आई थी, वो भी चले गए हैं। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मैं इतनी बिजी थी कि सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ बैठे बातें बातें करी, हमने चाय वाय पी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।